बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम गाइस टू माय चैनल यूके एक्सप्लोर विद वकार। तो आज हम आपके साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं बीपीपी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ होलबर्न कैंपस। तो आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे बीपीपी यूनिवर्सिटी की लोकेशन जो होलबर्न कैंपस है स्कूल ऑफ लॉ। उस दौरान हम आपको दिखाएंगे बाहर से खड़े होके कि अगर आप राइट साइड पर आएँ तो आपके पास कौन सा स्टेशन है, और अगर आप लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो आपके पास कौन सा स्टेशन है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा बीपीपी यूनिवर्सिटी के दो हिस्सों में डिवाइड करके, एक हिस्से में या एक पार्ट में आप यूँ कह लीजिएगा कि हम आपको बाहर से और आपको स्टेशन दिखाएंगे कि आपके पास कौन कौन से स्टेशन की फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल है, जिनके ज़रिए आप बीपीपी यूनिवर्सिटी कैंपस तक पहुँच सकते हैं। और दूसरे में फिर आपको मैं रिसेप्शन के बाद दिखाऊँगा लाइब्रेरी, बीपीपी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, और उस लाइब्रेरी में जो प्रोबोनो सेक्शन है जहाँ पर कैरियर बिल्डिंग की जाती है वो आपको दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको यूनिवर्सिटी का सारा ओवरऑल विज़िट करवाऊंगा। इस दौरान मैं आपको असिस्ट भी करता रहूंगा कि ये लाइब्रेरी है और ये हमारा कैफेटेरिया है और ये हमारा क्लासेस रूम है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये जी हम स्कूल ऑफ लॉ होलबर्न कैंपस बीपीपी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े हैं। ये बिल्कुल छोटा सा कैंपस है लेकिन इंतहाई आइडियल लोकेशन पे वाकई है, बिल्कुल सेंट्रल लंदन पे। इसके 6-7 फ्लोर बने हुए हैं ये टोटल। तो मैं आपको थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हाई होलबर्न रोड है। अगर आप इस पर मेरी राइट साइड पे देखेंगे तो होलबर्न स्टेशन बनेगा, और लेफ्ट साइड पे देखें तो चांसरी बनेगा। तो अगर आप चांसरी पे उतर रहे हैं तो आपने यूनिवर्सिटी आना है तो आपकी राइट साइड पे यूनिवर्सिटी बनेगी, और अगर आप होलबर्न स्टेशन पे उतरे तो आपकी लेफ्ट साइड पे यूनिवर्सिटी बनेगी। तो ये हमारी सारी यूनिवर्सिटी है, अंदर जा रहे हैं। फर्स्ट गेट जो है ये देखिएगा, मैं आपको लाइब्रेरी दिखाऊँगा फर्स्ट वीडियो में, और उसके बाद फिर आपको अगर लाइब्रेरी में मुझे बोलने की परमिशन मिलती तो मैं आपको लाइब्रेरी बोल के बता दूंगा, वरना आपको वैसे दिखा दूंगा। तो ये जो लॉक्ड है, ये सिर्फ स्टूडेंट को लॉक बताते हैं, ये तो आपको नहीं बता सकता। तो ये देखिएगा, ये सारी यूनिवर्सिटी अंदर, ये यूनिवर्सिटी की रिसेप्शन है, ये आपको थोड़ा बहुत गाइड करते रहते हैं। बीपीपी यूनिवर्सिटी लॉ कैंपस, और ये बैठने के लिए जगह है। यहाँ पर ये LCD चलती रहती है और इस पर BBC न्यूज़ चलती है। ये कैबिन टाइप बने हुए हैं, आप इन पर सेपरेटली बैठ सकते हैं। ये और अब मैं आपको लाइब्रेरी दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने आपको कहा था, अगर मुझे मौका मिल गया लाइब्रेरी में बोलने का तो मैं आपको बोल के समझा दूंगा, दिखा दूंगा। लाइब्रेरी की कंप्यूटर की एक्सेस जो है वो VLE की है। VLE आपका पासवर्ड है, और आपका जो नेम है वही आपकी VLE के कंप्यूटर और लाइब्रेरी के कंप्यूटर की एक्सेस है। वो आपको जब आप स्टूडेंट होंगे तो आपको पता चलेगा आपका पासवर्ड और यूज़र नेम क्या है। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको समझ आ जाएगी VLE है। ये सारी बुक्स है, अगर आपने प्रिंट लेना हो तो आपने VLE से जाके प्रिंट दे सकते हैं कंप्यूटर से। ये बैठने की जगह लाइब्रेरी में, ये फर्स्ट फ्लोर। नीचे तो थोड़ा सा बोल सकते हैं, ऊपर कोई भी नहीं बोलता, बिल्कुल खामोशी होती है, सन्नाटा, और जो कोई बोलता है तो लोग उसकी तरफ बड़ा हैरान होकर देखते हैं। ये सिर्फ सेपरेट एरिया बैठने के लिए, और ये वहाँ आप पढ़ सकते हैं, कोई नहीं बोलता यहाँ पे, बिल्कुल खामोशी। ये थीसिस वगैरह लिखे हुए हैं, और थीसिस में ज़्यादातर ला के जो आते हैं मैगजीन वगैरह, ये वो हैं। ये जी फोर्थ फ्लोर पे एक लाइब्रेरी का हिस्सा है कैरियर बिल्डिंग। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। अगर तो ये ग्रिपर लगे हुए हैं तो आपने पुल करना है डोर, अगर नहीं लगे तो आपने पुश करना है। ये देखिएगा, यहाँ भी आपकी VLE की एक्सेस होती है। तो ये सारा ये ऑफिस है, ये यहाँ पे गाइड करते हैं सारे स्टूडेंट्स को। वो फ्रंट डेस्क है, उस पर गाइड करते हैं। और इसके अलावा ये टेबल है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए हो तो यहाँ पे केले केले जो है वो फॉर्म पड़े होते हैं जिनके ऊपर सारे स्टेटमेंट लिखी होती है कि आपको किस तरह की गाइडेंस चाहिए। तो ये सारी लाइब्रेरी का हमारा हिस्सा था जो हमने आपको दिखाया। अब हम आपको दूसरी वीडियो में दिखाएंगे यूनिवर्सिटी की दूसरी चीज़ें, यूनिवर्सिटी में कैफेटेरिया किस टाइप का है और वगैरह वगैरह, आपको उस वीडियो में दिखाएंगे। चलते हैं उस वीडियो की तरफ। तो ये जी लिफ्ट है, हम लिफ्ट से आगे हैं 5th फ्लोर पर। तो ये 5th फ्लोर कुछ इस तरह का बना हुआ है, पहले दिन स्टूडेंट जो है वो इसी रूम में आते हैं। तो ये देखिएगा 5th फ्लोर,
ये सारा इस तरह का फ्लोर बना हुआ है। ये कैबिन वगैरह ऑफिशियल यूज़ के लिए, ये क्लासरूम, और मोस्टली जो होती है वो क्लास ये वाले रूम में होती है हमारी। पहले दिन फर्स्ट डे जो हमारी क्लास होती है इसी रूम में होती है। ये फिर स्टाफ के लिए, ये जी सारी लिफ्ट है। अगर आपने लिफ्ट यूज़ करनी हो तो आप लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे जाने के लिए। और ये सीढ़ियाँ बिल्कुल स्टेयर जो है सारे फ्लोर्स पे घूमती हैं, तो ये भी बैठने के लिए स्टूडेंट के लिए एरिया। और ये वाशरूम है, हर फ्लोर पे वाशरूम बने हुए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, बिल्कुल साफ़ सुथरे। तो ये मैं स्टेयर्स के से जा रहा हूँ नीचे बेसमेंट में। फिर जब आपकी इंडक्शन क्लासेस हो जाती हैं तो ये फिर नीचे क्लासेस होती हैं बेसमेंट में, क्योंकि बेसमेंट का जो रूम वो बड़े हैं। ये देखिएगा ये चीज़, यहाँ पे स्टूडेंट जिस तरह मर्जी बैठ सकते हैं। ये गेम है खेलने के लिए, ये सारा एरिया जो है वो बैठने के लिए, डिस्कस करने के लिए, कोई रोक टोक नहीं है। जब बोलें चालें जिस तरह मर्जी खाए पिए कोई मसला नहीं है। ये कोच लगे हुए हैं, ये चेयर्स वगैरह, और इसके अलावा ये तो आप कह सकते हैं मशीन जो है, अगर आपने कॉफ़ी जूसेस वगैरह लेने हो तो इधर से ले सकते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ ऑर्डर है ये वाली। तो ये फिर पानी पीने के लिए मशीन, ये वाला जो वाशरूम है जहाँ पे शॉवर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इसमें आप वज़ू कर सकते हैं। वैसे वाशरूम में उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर वज़ू ना करें, हमने सेपरेट एरिया बनाया हुआ है। तो ये ओवन पड़े हुए, आप अपना लंच या डिनर जो भी वक्त होगा आपका उस वक्त टाइम के अकॉर्डिंग अपना लंच गर्म कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये खाली जगह है, यहाँ पे जब ब्रेक होती है मोस्टली लंच टाइम, तो यहाँ पे चाय और कॉफ़ी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है। फिर ये आ गए बेसमेंट, बेसमेंट में जिस तरह पहले पिछला एरिया बना हुआ था बिल्कुल सेम लाइक दैट, वैसे यहाँ भी स्टूडेंट बैठ के पढ़ते हैं। तो ये जी बिल्डिंग करियर थ्रू एजुकेशन BPP यूनिवर्सिटी, और ये वेलकम टू BPP यूनिवर्सिटी, और ये आगे कैबिन वगैरह ऑफिशियल यूज़ के लिए। तो ये आगे हम चलते हैं, एक ऑटो जो है वो लाइट्स होती हैं, जैसे ही आप इंटर होंगे तो ये चल जाएगी। ये जो है क्लासरूम है, बड़ा डबल प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो इस पर सारी क्लासेस होती हैं। तो ये थी BPP यूनिवर्सिटी जो हमने आपको दिखा दी है। थैंक यू। तो ये थी आज की हमारी वीडियो गाइज, हमने आपको इस वीडियो में दिखाया कि आप BPP यूनिवर्सिटी हॉबर्न कैंपस स्कूल ऑफ लॉ अगर आना चाहते हैं तो किन किन स्टेशन से आप जो है वो आ सकते हैं। और उस दौरान हमने दो स्टेशन का जो जिक्र किया, उनमें चांसरी लेन और दूसरा हमने हॉलबर्न स्टेशन का, और इसी दौरान मैंने आपको पूरी यूनिवर्सिटी दिखाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।